हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के सफर पर लेकर जाने वाले हैं जो एक है तो मुस्लिम कंट्री, लेकिन यहाँ के आदमियों को एक से ज्यादा शादी करने पर मनाही है। इस देश के लोग दूध बकरी या भैंस का नहीं बल्कि घोड़ी का पीना पसंद करते हैं। कैसे लोग हैं यार यहाँ के। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा गप्पे मारने वाले माने जाते हैं। यहाँ हैंडशेक करना लोगों को बड़ा पसंद है। यहाँ के लोगों को गंदगी से जितनी नफरत है, पढ़ाई से उतना ही प्यार है। यहाँ के लोग माने जाते हैं सबसे ज्यादा ड्रिंक लवर। इस देश में आपको दुनिया के सबसे अच्छे शायर मिल जाएंगे। पहाड़ों के इस घर को ड्रीम कंट्री कहा जाता है और यहाँ ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जो आपका दिल धड़काएंगे नहीं बल्कि पूरा चुरा लेंगे। लेकिन ये हैं कौन, रुकिए बताते हैं आपको। रहस्यों और अजीबोगरीब फैक्ट से भरे इस देश को जानने से पहले जरा वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हाँ, अगर आप भी हमारी वीडियो के प्रेमी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ड्रीम सिटी सेंट्रल एशिया का स्विट्जरलैंड, माउंटेन कंट्री, शायरों का देश, ऐसे कई नामों के मालिक हैं किर्गिस्तान, जो कि सेंट्रल एशिया का एक छोटा सा लेकिन पहाड़ों से घिरा बड़ा शांत और सुकून भरा खुशहाल देश है। किर्गिस्तान में एक लैंडलॉक है। ये तीन और स्थान से घिरा हुआ है, जैसे उत्तर में कजाकिस्तान, पश्चिम में उज्बेकिस्तान, दक्षिण में ताजिकिस्तान और चौथी सीमा शेयर करता है चीन के साथ, जो पूर्व और दक्षिण पूर्व से लगती है। खुला आसमान, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बिखरी हरियाली, पेड़ पौधे और जिंदा दिल लोग इस देश को और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम की है। 68,26,904 लोगों की छत है किर्गिस्तान, जिनमें 83% मुस्लिम की साझेदारी है। इसके बाद 15% की हिस्सेदारी ईसाई रखते हैं और फिर बाकी बची आबादी में दूसरे धर्म के लोग शामिल होते हैं। किर्गिस्तान को अगर मुस्लिम कंट्री का दर्जा दिया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ मुस्लिम्स में भी ज़्यादातर आपको सुन्नी देखने को मिलेंगे। किर्गिस्तान भले ही एक मुस्लिम देश क्यों ना हो, लेकिन यहाँ के कुछ नियम आपको हैरान कर सकते हैं। इन रूल्स में से एक है शादी। आपने देखा होगा कि मुस्लिम्स में ये रूल होता है कि वे एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं, लेकिन किर्गिस्तान वो देश है जहां आदमी एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। यहां महिलाओं को अपने हक में बोलने के लिए सभी राइट्स दिए गए, इसलिए यहां की महिलाएं डर कर नहीं बल्कि बिंदास होकर रहती हैं। इस देश में आदमी हो या महिला, हर किसी को बोलकर अपनी बात रखने का और पढ़ने का पूरा हक दिया जाता है। यही वजह है कि आज किर्गिस्तान का लिटरेसी रेट 99% को पार कर चुका है, यानी यहाँ 100 में से 99% लोग वेल एजुकेटेड हैं। किर्गिस्तान के लोगों को पढ़ाई से बड़ा प्यार है। ये पढ़ाई लिखाई पर जितना ज्यादा ध्यान देते हैं उतनी दिलचस्पी इनकी शेर और शायरी से भी होती है। जी हाँ, यहाँ के लोगों को दुनिया के सबसे अच्छे शायरों में से एक माना जाता है। यहाँ अगर किसी की छुट्टी है या कोई फ्री है तो वो घूमने फिरने से ज्यादा शायरी लिखना पसंद करता है। सिर्फ शायरी नहीं बल्कि किर्गिस्तान वासियों को सबसे अच्छी शायरी कविताएं लिखने का भी ताज मिलता है। शायरी लिखना तो जैसे इनकी पहली पसंद है। वहीं दूसरी पसंद की बात करें तो वो है डांस। जी हाँ, एक मुस्लिम देश होने के बाद भी इस देश में डांस पर फिल्में देखना और आज़ाद घूमने पर कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों को तो काफ़ी फिल्मी माना जाता है, जिनके गाने की धुन सुनकर पैर थिरकना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर फिल्मों के लिए लोगों का क्रेज इतना ज़्यादा है कि अपने फेवरेट स्टार के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। वैसे अगर आप किर्गिस्तान जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा रखिएगा, क्योंकि यहाँ के लोग इतने बातूनी होते हैं कि कब वो छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर घंटे गुजारते पता नहीं चलता। बस उन्हें बात करने का मौका मिलना चाहिए, फिर तो ये आपसे घंटों तक बात कर सकते हैं। और यहाँ के लोगों के साथ आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि आप इनसे पहली बार मिल रहे हैं, बल्कि कुछ ही टाइम में आप इनकी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। अगर फैमिली का हिस्सा बन ही गए हैं तो आप भी कुछ खास बातों का ध्यान रखिए। जैसे अगर यहाँ कोई आपको अपने घर इन्वाइट करता है तो भूलकर भी चप्पल पहन के घर में मत जाना, यानी आपको चप्पल बाहर दरवाजे पर उतारनी। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको असभ्य माना जाएगा। वहीं जब आप किसी से मिलें तो हाथ मिलाना मत भूलिए, क्योंकि किर्गिस्तान वासियों को हाथ मिलाना बड़ा पसंद है। कहा जाता है सुबह सुबह से ये लोग अपने पड़ोसियों से घर पर हैंडशेक करने के लिए जाते हैं, ताकि दिन की शुरुआत मेल मिलाप और भाईचारे से हो। सुबह की बात हुई है और यहाँ के स्पेशल चाय को हम भूल जाएं, ये तो नाइंसाफी होगी, क्योंकि यहाँ के लोग चाय के इतने बड़े दीवाने हैं कि उन्हें सूरज दादा के दिखते ही चाय का कप नहीं, चाय का प्याला हाथ में चाहिए। यहाँ आपको हर घर में चाय पीने के लिए बड़े बड़े प्याले देखने को मिलेंगे, जिससे यहाँ के लोग चाय की चुस्कियों का मजा लेते हैं और ये मौका अपने मेहमानों को भी देते हैं। चाय के साथ अगर यहाँ का स्पेशल ब्रेड हो जाए तो भैया मजा आ जाता है। किर्गिस्तान के ब्रेड बड़े खास तरीके से बनाए जाते हैं और ये इतना टेस्टी होते हैं कि इसका स्वाद देश विदेश में भी चखा जाता है भाई। सिर्फ ब्रेड ही नहीं, किर्गिस्तान की नेशनल ड्रिंक भी बड़ी कमाल की है और इसका नाम कमसी, जिसकी डोर जुड़ी है घोड़ी से। जी हाँ, कमिस घोड़े के दूध से तैयार किया जाता है। जब घोड़े के दूध की बात आती है तो यहाँ के लोग भैंस, गाय, बकरी के दूध को भी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आप साफ सफाई को इग्नोर कर दें तो भैया दिक्कत हो जाएगी। किर्गिस्तान वासियों का गुस्सा आप पर ज्वालामुखी की तरह फट सकता है।
यहाँ के लोग साफ सफाई के बड़े प्रेमी होते हैं, जिन्हें सिर्फ अपना घर चमकाना ही पसंद नहीं होता बल्कि ये सड़कों और देशों को भी साफ करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इसलिए यहाँ के लोग सड़कों को भी साफ करने से नहीं चूकते। और अगर आप भी इनका दिल जीतना और गुस्से से बचना चाहते हैं तो गंदगी से दुश्मनी करके साफ सफाई से दोस्ती कर लें और सफाई में इनका हाथ बटाएं। साफ सफाई को लेकर भले ही यहाँ के लोग आप पर गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन ये इल मैनर्ड बिल्कुल नहीं होते, बल्कि यहाँ के लोगों को काफी समझदार और शांत और थोड़ा सा बातूनी माना जाता है, जो क्राइम और लड़ाई झगड़े से दूरी बनाकर रखने में भलाई समझते हैं। अगर आपको किसी किर्गिस्तानी के दिल तक पहुंचना है, उससे दोस्ती बढ़ानी है, तो इसमें आपका साथ दे सकती है ड्रिंक। किर्गिस्तान के वासियों को ड्रिंक करना बड़ा पसंद है। कोई खास फंक्शन हो या फिर ऑफिस में प्रमोशन हो, किसी का बर्थडे हो या फिर शादी, हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मौके पर यहाँ बोतलें खुल जाना लाजमी है। इसकी एक वजह है ड्रिंक का प्राइस। यहाँ शराब काफी सस्ती कीमत पर मिलती है, इसलिए छोटे से छोटे मौके पर बोतल खुलने में देर नहीं होती। यहाँ का खाना पीना ये लोगों को नहीं भाता, बल्कि लड़कियां लड़के भी हर किसी को अपना दीवाना बना लेते हैं। यहाँ के लड़कों को ऊंची लंबी हाइट, हेल्दी फिट बॉडी और हैंडसम लुक के लिए हर लड़की को अपना कायल कर देना होता है। वहीं लड़कों का हार्ट फेल कराने का काम करती हैं किर्गिस्तान की लड़कियां, जिनकी गोरी स्किन, भूरी नीली आंखें, बहती हुई बहकी चाल, मदहोश कर देने वाले बालों के साए में देसी विदेशी हर कोई इनका कायल हो जाता है। भाई, इस देश में खूबसूरती तो जैसे कदम कदम पर बिखरी हुई है, सिर्फ लोगों की नहीं बल्कि इस देश ने भी भरपूर सुंदरता अपने अंदर समेटी हुई है। किर्गिस्तान में चारों तरफ हरियाली हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। किर्गिस्तान करीब 13 नेशनल पार्क्स का घर है। इनमें से एक है आला आर्च नेशनल पार्क, जो कि किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक से 40 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। यहाँ पेड़ पौधों की करीब 800 प्रजातियां, जानवरों की 40 प्रजातियां और पक्षियों की 160 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। पेड़ों के रास्ते से गुजरते हुए पार्क की सैर करने का अलग ही मजा है। वैसे यहाँ की इसी कोक लेक भी आपकी ट्रिप में भरपूर एंजॉयमेंट भर सकती है। उत्तरी तियान शान पहाड़ों में स्थित इसी कुल झील में सफेद साफ क्रिस्टल पानी, ठंडी मंद मंद हवा जब लोगों के पास से होकर गुजरती है तो हर कोई सुकून से भर जाता है। इस झील को 25 मिलियन सालों से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। राफ्टिंग, स्विमिंग और किनारे पर हॉर्स राइडिंग करने का मौका सिर्फ आपको इस झील के पास मिलता है। इस झील से अगर मन भर जाए तो आप जा सकते हैं सोंगकुल झील। 3016 मीटर की ऊंचाई पर बसी सोंगकुल झील का नजारा लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे घास के मैदानों से घिरी सोंगकुल झील किर्गिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी झील होने का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। किर्गिस्तान की इसी कुल झील के पास जाया जाए तो यहाँ का चोलपन आटा रिजॉर्ट को देखना न भूलें। इस रिजॉर्ट में प्राचीनतम मूर्तियां, स्मारक खूबसूरत पुराने दौर का नजारा पेश करती हैं। पेट्रोग्लिफ संग्रहालय, ऐतिहासिक संग्रहालय, घोड़सवारी हिप्पोड्रोम, लेनिन प्रतिमा यहाँ की आनबान शान है। वैसे अगर आप किर्गिस्तान की राजधानी का ताज पहनने के बिश्केक शहर को नहीं देखेंगे ना, तो समझिए कुछ नहीं देखा। शानदार म्यूजियम देखना हो या फिर फिल्म का मजा लूटना हो, आला आर्च नेशनल पार्क का दीदार करना हो या फिर ओपेरा सुनना हो, हर चीज का इंतजाम है यहाँ बिश्केक में। ये खूबसूरत होने के साथ साथ काफी पॉपुलर और पावरफुल कैपिटल मानी जाती है। अगर आप ट्रैकिंग लवर हैं और एडवेंचर से प्यार करते हैं तो आपका दिल खोलकर स्वागत करती है कराकुल टूरिस्ट प्लेस, जहां सुकून, शांति, हरियाली, सुंदरता का भरपूर तालमेल है। पार्टनर के साथ लंबे पैदल सफर पर जाने का ख्वाब आपका कराकुल पूरा कर सकता है। खाने पीने का भी यहां पर फुल इंतजाम है। यहां का खाना बड़ा ही लजीज होता है। यहां पर कैफे और पब भी खुल चुके हैं जो आपकी ट्रिप को यादगार बना सकते हैं। यहां आपको एक्सचेंज वाला कॉन्सेप्ट भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ एक बाजार है जहाँ चीजों का लेन देन किया जाता, यानी जैसे पहले के समय में जरूरत के हिसाब से लोग चीजों की अदला बदली करते थे, ठीक वैसे इस खास बाजार में भी की जाती है। खुला आसमान और साफ तनकर खड़े पहाड़, बड़े बड़े पेड़ और हरियाली के बीच में बहता पानी, कराकोल का ये नजारा हर किसी को अपना मुरीद बना लेता है। यहाँ पर स्विमिंग वगैरह की जाती है। इसके बाद आप देख सकते हैं किर्गिस्तान का एक छोटा लेकिन खूबसूरती के मायाजाल में फंसा बुराना गांव, जो एक पुराना बुराना टावर यहां मौजूद है। 25 मीटर ऊंचे इस टावर से आसपास का इलाका बहुत ही खुशनुमा नजर आता है। यहीं पास में आप बालबल्स को देख सकते हैं, जो खाना बदोश तुर्क जनजातियों द्वारा बनाए गए कब्र के खास तरह के पत्थर हैं। वैसे क्या आप इस देश की सैर करना चाहेंगे? कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।